जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अब तक जो हमने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं उसमें से उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्ट्रासाउंड देखा था। ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमने देखे थे, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स देखे थे, यूजेस देखे थे, और डेंजर्स और प्रिकॉशंस देखी थी। साथ हमने उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखी थी। आज हम जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड की डिटेल देखेंगे। जो जो पॉइंट्स थे उन सब की आज हम डिटेल चेक करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज फोनोफोरेसिस। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड में हमने देखा था कि वैस्कुलर कंडीशंस हैं, एक्यूट सेप्सिस है, रेडियोथेरेपी है, प्रेगनेंसी, ट्यूमर, कार्डियक डिजीजेस, हेमरेज, सेवेयर इस्कीमिक टिश्यू, नर्वस सिस्टम, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इम्प्लांट्स और एनेस्थेटिक एरिया। तो वैस्कुलर कंडीशंस में क्यों हम अप्लाई नहीं करते, क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि अगर कोई कंडीशन हो सकती है जैसे कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। नाउ एनी स्टूडेंट, व्हाट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नहीं बेटा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस अलग चीज होती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अलग चीज होती है। वो तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ही है, लेकिन वो स्पेसिफिक हो जाता है कि वो आपके लेग के मसल्स में, जो लेग हैं, लेग की वेन्स में आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है ये एक जनरलाइज टर्म है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आपके कहीं भी किसी भी वेन में हो ब्लड सकता है। क्लॉटिंग होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, फ्लेबाइटिस जो खाली वर्ड है फ्लेबाइटिस का, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। और थ्रोम्बो मीन्स के इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन हो गई और साथ साथ उसमें थ्रोम्बस भी डिवेलप हो गया। दोनों चीजें हो गई हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन प्लस थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द वेन। अच्छा, और यही अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आपकी अगर जो है काफ में या लेग में होता है, लेग की वेन्स में, तो उसे आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस कह देते हो। अच्छा, सच कंडीशंस ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिक की जो कंडीशंस होती हैं, इसमें आप इंसोनेशन यानी कि अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन नहीं करते। व्हाई? बिकॉज द एम्बोलाई मे बी ब्रोकन ऑफ एंड ट्रेवल टू सम अदर एरिया। ठीक है, विच इज वेरी डेंजरस। दीज आर नॉट ट्रीटेड विद अल्ट्रासाउंड। नाउ सेकेंड इज एक्यूट सेप्सिस। सेप्सिस कहते हैं इन्फेक्शन को। ठीक है, एन एरिया विच प्रेजेंट्स विद एक्यूट सेप्सिस, जहाँ पे एक्यूटली अभी बड़ा सवेर किस्म का और बिल्कुल रिसेंट इन्फेक्शन है जो ऑन गोइंग है, जो अभी सबसाइड नहीं किया है, शुड बी ट्रीटेड कॉशियसली विद अल्ट्रासाउंड बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, उसको भी आपने ट्रीट नहीं करना, लेकिन अगर करना पड़ जाए तो उस एरिया को तो बिल्कुल नहीं करोगे, उससे रिलेटेड कोई ऊपर नीचे का, कोई उसका इंटीरियर या कोई इंफीरियर उससे एरिया करना है, उसको भी कॉशन से ट्रीट करते हैं। और इन सम इंस्टेंसेस ब्रेकिंग ऑफ सेप्टिक एम्बोलाई, या फिर अगर कोई सेप्टिक एम्बोलाई बना हुआ है वो भी ब्रेक ऑफ करके ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। इफ द ट्रीटमेंट इज पास्ड ओवर एन इन्फेक्टेड एरिया एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज जोस्टर, इट मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड विद एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ नेक्स्ट पेशेंट। अब अगर आप किसी ऐसे पेशेंट पे अप्लाई करें जिसे हर्पीज है, स्किन डिजीज है, या चिकन पॉक्स है, या किसी को मीजल्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को अप्लाई करने के बाद आपने अपना जो अपरेटस है उसको अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेना है, ताकि दूसरे पेशेंट को वो इन्फेक्शन ट्रैवल ना करे। देन रेडियोथेरेपी हैज़ अ डीवाइटलाइजिंग इफेक्ट ऑन द टिश्यू, देयरफॉर अल्ट्रासाउंड इज नॉट अप्लाई टू द रेडिएटेड एरिया आफ्टर 6 मंथ ऑफ रेडिएशन। अगर किसी कैंसर के पेशेंट्स में मोस्टली रेडियोथेरेपी होती है, तो रेडियोथेरेपी से वैसे ही बॉडी के बहुत सारे मिनरल्स और डिवाइटलाइज हो जाती है बॉडी, तो उसके बाद आप एटलीस्ट 6 मंथ तक अल्ट्रासाउंड थेरेपी अप्लाई नहीं करते रेडिएटेड एरिया पे। ट्यूमर्स मैम ये दोबारा रिपीट कर दें लास्ट लाइन। बेटा, रेडियोथेरेपी का बताया हुआ, रेडियोथेरेपी के क्या होती है बेसिकली, जो कैंसर पेशेंट्स की होती है रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट होती है, उससे बॉडी वैसे ही बहुत ज्यादा डिवाइटलाइज हो जाती है, पेशेंट वैसे ही बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी एटलीस्ट 6 मंथ तक अप्लाई नहीं करते। ट्यूमर्स
ट्यूमर्स आर नॉट इंसुलेटेड बिकॉज दे मे बी स्टिमुलेटेड और मेटास्टाइज मेटास्टाइज कर सकते हैं. मेटास्टेसिस कहते हैं कि ट्यूमर ब्रेक ऑफ कर गया और दूसरे एरिया में जाके स्प्रेड हो रहा है. प्रेगनेंसी में पहले भी बता दिया था मैंने कि प्रेग्नेंट यूट्रस होती है तो उसको आप ट्रीट नहीं करते क्योंकि फीटस का डैमेज होता है. Consequently, during pregnancy, the back and abdomen should not be treated. इसीलिए अगर आप leg पे करना है, arm पे करना है, shoulder पे करना है तो आप treat कर सकते हो ultrasound. लेकिन अगर आपने pelvis या back का area treat करना है तो फिर आप ultrasound therapy apply नहीं करते in pregnant uterus. Cardiac diseases हैं. The patient who have cardiac diseases are treated with low intensities in order to avoid sudden pain. ठीक है, आप उनको low intensity से treat करते हो. कार्डियक पेशेंट्स को एरिया सच एज सर्वाइकल गैंग्लियन एंड वेगस नर्व आर अवॉइडेड बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ कार्डियक स्टिमुलेशन. अब हार्ट को जो कार्डियक की नर्व है हार्ट की वो वेगस नर्व होती है. सर्वाइकल गैंग्लियन आपके जो है नेक एरिया में प्रेजेंट होता है. ऐसे एरियाज को आप बहुत कॉशन के साथ ट्रीट करते हो या अवॉइड करते हो ताकि कहीं हार्ट की जो है कार्डियक स्टिमुलेशन ना हो जाए. कार्डियक डिजीज का पेशेंट है ठीक है, तो कॉशन के साथ. Patients fitted with cardiac pacemakers are not usually treated with ultrasound in the area of chest. अब जिनको cardiac pacemakers होते हैं उनको भी chest के area में आपने नहीं treat करना होता as the ultrasound generator may have an effect on the pacemaker rate of stimulation. Hemorrhage when bleeding is still occurring or has only recently been controlled such as in an enlarging hemarthrosis or hematoma. अब कहीं पे blood का clot है. हेमाटोमा है, हीमाथ्रोसिस कहते हैं जॉइंट्स में जो ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, जॉइंट्स में हो गया या कहीं हेमाटोमा है किसी मसल में तो अब, या अनकंट्रोल्ड हीमोफीलिया है ठीक है. अनकंट्रोल हीमोफीलिया क्या होता है कि लॉस ऑफ ब्लड होता रहता है तो अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. सेवेरली इस्कीमिक टिश्यू है बिकॉज ऑफ द पुअर हीट ट्रांसफर एंड पॉसिबली ग्रेटर रिस्क ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस ड्यू टू स्टैटिस्टिक्स and endothelial damage, ultrasound is contraindicated. अब क्योंकि ऐसे लोगों में इस्कीमिया है, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा है, ब्लड जो है वो स्टेसिस में है एक जगह पे, वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा. इस्कीमिया की वजह से उनके जो एंडोथीलियल डैमेज है, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी जो एंडोथीलियम होती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, वो डैमेज होती है. अल्ट्रासाउंड ऐसी कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंडिकेटेड होता है. फिर नर्वस सिस्टम की कौन सी कंडीशंस हैं कि नॉर्मल डोजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड हैव बीन अप्लाइड फॉर मेनी इयर्स टू द टिश्यू अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट एनी इल इफेक्ट्स. कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, बैक का एरिया है, आपकी जो बैक है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है उस पर आप हम देखते आए हैं कि काफ़ी सालों से अप्लाई करते हैं, कोई उसके डेंजरस इफेक्ट्स नहीं होते. Since the CNS is deeply buried beneath the thick muscles and more importantly bone tissue, it seems reasonable to suppose that only trivial amount of energy could reach it. क्योंकि spinal cord के बाहर bone के अंदर enclosed है, उसके बाद vertebrae की जो bones हैं, उसके ऊपर muscles की thick layer है, उसके ऊपर fat है, फिर skin है, तो आपके जो है spinal cord तक basically ultrasound की energy इतनी ज़्यादा नहीं जाती, बहुत trivial amounts, बहुत थोड़ी amounts, minor amounts में जाती है. लेकिन जहाँ पे नर्व टिश्यू एक्सपोज है, जैसा कि कोई स्पाइना बिफिडा का पेशेंट है या फिर लेमिनेक्टमी हुई है ठीक है, लेमिना की सर्जरी हुई है, जो आपका स्पाइनल वर्टिब्रा होते हैं उसके जो लेमिना होता है उसकी रिमूवल को लेमिनेक्टमी कहते हैं. लेमिनेक्टमी हुई है या स्पाइना बिफिडा एक डिजेनरेटिव एक कंडीशन होती है जो बाय बर्थ जो है ना आपके वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज नहीं हुए होते, बैक की क्लोजिंग का ये वर्टिब्रा की फ्यूजन का प्रॉब्लम होता है. तो ऐसे पेशेंट्स में कि जब एक्सपोजर हो उनके स्पाइनल कॉर्ड का या फिर उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अल्ट्रासाउंड एनर्जी को, तो फिर आप उनको ट्रीट नहीं करते. स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जिस तरह के फ्लूइड फील्ड आए हैं, आई में क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड होता है तो फिर फ्लूइड वाले एरियाज आपको पता है अल्ट्रासाउंड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है, इसीलिए आई के एरिया में आप अप्लाई नहीं करते, अदरवाइज रेटिनल डैमेज हो जाता है. ट्रीटमेंट ओवर द गोनाड्स, टेस्टीज में या ओवरीज के एरिया में भी आप अप्लाई नहीं करते क्योंकि इनमें ज़्यादा फ्लूइड होता है इन एरियाज में, और फ्लूइड फील्ड एरियाज में ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड ज़्यादा होगी और वहाँ पर डैमेज कॉज हो सकता है. इम्प्लांट्स, ऑल्दो मेटल इम्प्लांट्स इन द टिश्यू वुड रिफ्लेक्ट द अल्ट्रासाउंड एट देयर इंटरफेस एंड थस लीड टू मोर एनर्जी एब्जॉर्प्शन इन दिस एरिया.
अब अगर बॉडी में कहीं इम्प्लांट है, फॉर एग्जांपल आपकी फ्रैक्चर हुआ, फिर आपके जो लेग है उसमें इम्प्लांट है, मेटल इम्प्लांट होते हैं, ठीक है, उस एरिया में आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मेटल से वो इंटरफेस होगी, स्किन की इंटरफेस होगी, उसके बाद नीचे जो मसल्स की इंटरफेस है, ठीक है, जो भी सारी बाउंड्रीज है, वहाँ से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और वहाँ पे हीट प्रोडक्शन भी हो सकती है. दिस डज नॉट लीड टू अ लार्ज टेम्परेचर राइज इन द रीजन बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज इजीली कंडक्टेड टू द अदर एरियाज. अल्ट्रासाउंड के केस में वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इम्प्लांट के केस में भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन नहीं होती, लेकिन प्रेफरेबली अगर इम्प्लांट हो तो अल्ट्रासाउंड अप्लाई नहीं करना उस एरिया में. द इफेक्ट माइट हाउएवर बी डिफरेंट विद स्मॉलर एंड मोर सुपरफिशियल इम्प्लांट लाइक मेटल बोन फिक्सिंग पिंस सबक्यूटेनियसली प्लेस्ड एज प्रिकॉशन. लो डोजेज आर यूज इन दीज एरियाज. और अगर कोई सबक्यूटेनियसली बिल्कुल कोई पिंस वगैरह हैं, कोई प्लेट्स हैं, कुछ भी इम्प्लांट्स हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लो डोज आप यूज कर सकते हो. प्लास्टिक्स यूज इन रिप्लेसमेंट सर्जरी एज हाई इंटेंसिटी पोलिथीन एंड एक्रिलिक शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड सिंस देयर इफेक्ट ऑन अल्ट्रासाउंड एब्जॉर्प्शन इज अननोन. अब इनका इफेक्ट अननोन है कि जो प्लास्टिक्स यूज हुई है, जो एक्रिलिक मटेरियल यूज हुआ है आपकी सर्जरीज में, कि उन पे क्या इफेक्ट आता है, तो इसीलिए अप्लाई ना करना ही बेटर होता है. एनेस्थेटिक एरिया है कि इफ अल्ट्रासाउंड इज गिवन टू एन एनेस्थेटिक. मैम प्लास्टिक्स कौन से एरियाज में, कौन सी सर्जरी में हम लोग यूज करते हैं? बेटा ये ऑर्थोपेडिक की बहुत सारी सर्जरीज हैं उस जिसमें प्लास्टिक के, अब फॉर एग्जांपल जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो जॉइंट आपको नया प्लेस करें वो किस चीज़ का बना होता है? वो एक्रिलिक्स का बना होता है, कोई पोलिथीन का बन सकता है, एक्रिलिक्स का बन सकता है. इसके अलावा आपकी जो स्किन की सर्जरीज हैं उसमें भी होता है, लेकिन ऑर्थोपेडिक की सर्जरीज में बहुत कॉमनली यूज होते हैं ये मटीरियल्स, ठीक है, और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी मस्ट होती है. अच्छा, एनेस्थेटिक एरिया है. इफ अल्ट्रासाउंड इज गिवन टू एनेस्थेटिक एरिया देर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ पेन और हीट एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट विच विल लीड टू बर्न्स, क्योंकि उस एरिया के सेंसेशन ही लॉस हो जाती है उस टाइम पर. ये सारी थी कॉन्ट्राइंडिकेशन और ये उनकी कॉजेज थी कि हमने क्यों अप्लाई नहीं करना. इम्पॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड की कॉन्ट्राइंडिकेशन, आपके रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फोनोफोरेसिस. ये भी अल्ट्रासाउंड से ही रिलेटेड है. फोनो मीन साउंड एंड फोरेसिस मीन्स माइग्रेशन ऑफ द आयंस थ्रू अ मेम्ब्रेन बाय द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. फोनोफोरेसिस में क्या होता है कि एज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. आपने कोई भी ड्रग अप्लाई किया है स्किन पे, अब स्किन से आप उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी कराना चाह रहे हो इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो आप क्या करते हो कि आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर देते हो, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसके हम दे सकते हैं कि अगर जो भी कोई भी एनर्जेटिक क्रीम है, कोई भी जेल है, तो जैसे कि मूव है या टाइगर बाम है, आयोडेक्स है, किसी भी चीज़ के आप एब्जॉर्प्शन स्किन में डीप करवाना चाह रहे हो, तो आप वो अप्लाई करके जेल उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड थेरेपी कर देते हो ताकि वो डीप एब्जॉर्प्शन हो जाए उसके अंदर जो आयंस हैं उसकी, ठीक है. इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज सोनोफोरेसिस और अल्ट्रासोनोफोरेसिस. इसको फोनोफोरेसिस भी कहते हैं, सोनोफोरेसिस भी कहते हैं और अल्ट्रासोनोफोरेसिस भी कहते हैं. relies on the perturbation of the tissue causing more rapid particle movement and thus encouraging absorption of the drug. अब इसमें होता क्या है कि particles की movement जो है वो rapid हो जाती है, जो आपके drug के अंदर जो भी ions होते हैं और उन साथ आपके उनकी tissue की perturbation, perturbation means changes आ रहे हैं आपके tissues में, और फिर क्या होता है कि जो absorption of drug है वो increase हो जाती है. इफेक्ट्स ऑफ फोनोफोरेसिस क्या आते हैं? द थर्मल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड सोनिक इंक्रीज टिश्यू परमीबिलिटी एंड अकॉस्टिक प्रेशर क्रिएटेड बाय द अल्ट्रासोनिक बीम ड्राइव्स द मेडिटेशन इनटू द टिश्यूज. हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड का इफेक्ट था, थर्मल इफेक्ट भी था, टिश्यू की परमीबिलिटी पे भी इफेक्ट होता है. इसी वजह से जो है, जो भी मेडिसिन होती हैं, जो भी मेडिकेशन होती हैं, वो अल्ट्रासाउंड बीम के साथ एंटर कर जाती हैं इनटू द टिश्यू. थस द मेडिटेशन फॉलोज द पाथ ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम. Both pulsed and continuous ultrasonics have been used in phonophoresis. दो मोड्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड के आप यूज करते हो, पल्स मोड है, कॉन्टिन्यूस मोड है, दोनों आप फोनोफोरेसिस में यूज कर सकते हो.
लेकिन जो कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड होता है उसको आप कम यूज करते हो। देख लेते हैं क्यों। इफेक्ट्स ऑफ फोनोप्लस में कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासोनिक एट एन इंटेंसिटी ग्रेट इनफ टू प्रोड्यूस थर्मल इफेक्ट में इंड्यूस अ प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसीलिए ये आप कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कोई पल्स नहीं है, कोई ब्रेकिंग नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली अल्ट्रासाउंड की बीम जो है वो एमिट हो रही है, पेशेंट की बॉडी तक जा रही है और इंटेंसिटी भी ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ है, इससे स्टडीज में शो हुआ है कि इससे एक प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, कि इन्फ्लेमेशन की जो है इनिशियल साइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेलिंग वगैरह स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड एट अ हाई इंटेंसिटी टू इंड्यूस एनी काइंड ऑफ मेडिसिन इज अवॉइडेड। इफ द गोल इज टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, पल्स अल्ट्रासाउंड विद लो इंटेंसिटी मे बी द बेस्ट चॉइस। तो बेस्ट चॉइस क्या है कि एक तो पल्स अल्ट्रासाउंड यूज करें, सेकेंड इंटेंसिटी भी लो रखें ताकि इन्फ्लेमेशन डिक्रीज हो सके। अगर कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड होगा और हाई इंटेंसिटी होगा तो ऑपोजिट प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है। अच्छा जी, पेनिट्रेशन ऑफ फोनोफोरेटिकली ड्राइवन ड्रग्स, द डेप्थ टू विच द ड्रग्स कैन बी मेड टू पेनिट्रेट इज अ मैटर ऑफ पार्टिकुलर अनसर्टेनिटी। अब ये चीज किसी स्टडी से अब तक क्लियर नहीं है कि किस डेप्थ तक जो है ना कोई भी ड्रग जा रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ ये हम एक जो है रिसर्च से शो हुआ है, ये स्टडी से, कि फोनोफोरेसिस से ड्रग्स जो है बॉडी में मोर इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, मोर इजीली एंटर कर जाते हैं, लेकिन उनकी डेप्थ का कोई जो है वो अभी भी अनसर्टेन है। वंस द ड्रग हैज पास थ्रू द एपिडर्मिस, यानी कि स्किन की जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस है, जब उसमें से ड्रग पास कर जाता है, इट इज लाइकली टू बी डिस्पर्स इन द सर्कुलेशन टू एन एक्सटेंट विच डिपेंड्स ऑन द वैस्कुलैरिटी ऑफ द टिश्यू कंसर्न्ड। कि फिर जब वो एपिडर्मिस आपकी सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन है उसके अंदर से जब ड्रग पास कर गया, तो नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वैस्कुलैरिटी उनके सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है फिर, कि कहाँ तक वो ड्रग जाता है और कितना सर्कुलेट करता है, कितना डिस्पर्स होता है, एंड द ईज विद विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ड्रग्स कैन एंटर द ब्लड वेसल्स। अल्ट्रासोनिक मशीन विद 0.33 और 0.25 MHz आर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव। स्टडीज से, रिसर्च से ये शो हुआ है कि अगर आप मशीन की फ्रीक्वेंसी किस पे सेट कर दो, 0.33 पे या फिर 0.25 MHz पे, तो इससे फोनोफ्रेटिक ड्रग जो है वो बेटर पेनिट्रेट करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी लीड्स टू ग्रेटर पेनिट्रेशन। अब ये लो फ्रीक्वेंसीज हैं, लो फ्रीक्वेंसी इज डूइंग अ बेटर पेनिट्रेशन। If the therapeutic effects occur in the dermis and epidermis, it might be expected that higher frequency would be of more effective since the ultrasonic energy is largely absorbed in the superficial tissue. अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम therapeutic effects देखें dermis या epidermis में, तो फिर क्या होता है कि higher frequencies ज़्यादा effective होती हैं, क्योंकि ultrasonic energy जो है वो superficial tissues में लार्जली एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि मैं आपको सिंपल वर्डिंग्स में बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपने सुपरफिशियली एब्जॉर्ब करवाना है ड्रग को सुपरफिशियल टिश्यू में, तो फिर आप हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हो। हाई फ्रीक्वेंसी यूज करने से ये होता है कि उसके वो जो है सुपरफिशियल हीटिंग, सुपरफिशियल थेरेप्यूटिक हमें जो इफेक्ट उसका मिल रहा होता है, ठीक है। तो सुपरफिशियली अगर आपने ही ड्रग को इंड्यूस करवाना है तो फिर थोड़ी सी आप हायर फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो। दिस हैज बीन शोन टू अकर इन दैट 1.5 एंड 3 MHz अल्ट्रासोनिक अपेयर टू बी मोर इफेक्टिव इन अचीविंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक देन 0.75 MHz। कि जब आपने थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसीज यूज की है 1.5 की या 3 MHz की, तो लोकली आपने उसको सुपरफिशियली एब्जॉर्ब करवाया है ड्रग को, वो बेटर रिसर्च में आया है रादर देन द 0.75 जो कि लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो गया। तो लो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर पेनिट्रेशन देगी, ज्यादा डीप एब्जॉर्प्शन करवाएगी ड्रग की। हाई फ्रीक्वेंसी लोकल इफेक्ट देती है, सुपरफिशियल एब्जॉर्प्शन में बेटर होती है। इंटरेस्टिंगली द सेम स्टडी शोड दैट पल्स्ड वाज रादर मोर इफेक्टिव देन द कंटीन्यूअस अल्ट्रासाउंड इन अचीविंग ट्रांसफर ऑफ दिस पर्टिकुलर एनाल्जेसिक। दिस प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर स्पेसिफिक इफेक्ट ड्यू टू द एनर्जी ऑफ अल्ट्रासाउंड। उस इसी स्टडी में ये भी पता चला था कि पल्स्ड अल्ट्रासाउंड जो है वो ज्यादा बेटर मोड होता है रादर देन द कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड, ठीक हो गया।
आप जी ड्रग्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? आप जो मेडिकल आयनाइजेशन में ड्रग्स होते हैं वही सारे आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोकॉर्टिसोन्स इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में यूज़ होता है इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए। सैलिसिलेट्स यूज़ हो सकते हैं, और जिंक ऑक्साइड है, टैनिक एसिड है, यूरिया, मेथनॉल, ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप टू, ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनको ट्रीट करने के ड्रग आपने स्किन के अंदर इंड्यूस करवाना है। स्किन पे एलर्जी हो गई है, रैश हो गई है, तो ये वाला ड्रग आपने यूज़ करना है टू ट्रीट द हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप टू, तो फिर आप वो फोनोफ्रेसिस के थ्रू यूज़ कर सकते हो। पेनिसिलिन जो है उसको आपने सुपरफिशियली अब्जॉर्ब करवाना है स्किन में, तो स्किन इन्फेक्शन में आप फोनोफ्रेसिस यूज़ कर सकते हो। ग्रेटर इंटेंसिटी, ग्रेटर फ्रिक्वेंसी यूज़ करोगे तो फिर सुपरफिशियली स्किन के अंदर ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन होती है, और लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे तो डीपर पेनिट्रेशन। एप्लीकेशन आप उन्होंने बता दी किस किस तरह कर सकते हैं जी। रिलेटिवली हाई इंटेंसिटी ऑफ 1 एंड 1.5 हैव बीन यूज्ड। 1 मिनट ट्रीटमेंट फॉर एवरी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज रीजनेबल। ऑल्दो सम सजेस्ट दैट 5 मिनट्स फॉर ईच 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि अबाउट 1 मिनट फॉर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उन्होंने एरिया वाइज बताया कि अगर आप 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर छोटा सा एक एरिया है, उसको 1 मिनट के लिए आपने ट्रीट करना है, तो दिस इज क्वाइट रीजनेबल ट्रीटमेंट। लेकिन प्रोब को आप अल्ट्रासाउंड के हेड को आपने स्टैटिक नहीं रखना, सर्कुलर या फिगर ऑफ एट की मोशन उसकी हर टाइम करती रहनी है, अदरवाइज कैविटेशन हो सकती है। After the completion of treatment, the drug should be removed from both the patient's skin and the transducer head. ये बहुत important है, patient की skin से भी आप remove कर देते हो जो भी drug है उसको, फिर साफ करते हो skin को। इससे भी ज़्यादा important है कि जो head होता है अल्ट्रासाउंड का, जो जिस जो एप्लीकेटर होता है उसको आपने साफ करना है। उसकी जो है क्लियरेंस, उसकी सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज उसके अंदर जो क्रिस्टल होता है, जहाँ जहाँ से क्वार्ट्स क्रिस्टल होते हैं जिसमें से प्रोडक्शन हो रही होती है अल्ट्रासाउंड साउंड सोनिक बीम्स की, वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड के हेड की, ट्रांसड्यूसर हेड है, एप्लीकेटर है, इमिटर है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ एवरी पेशेंट। अब जी फोनोफोरेसिस की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं कि जी पेशेंट्स हु कैन नॉट ईट सी फूड शुड नॉट बी ट्रीटेड विद आयोडीन। जो सी फूड नहीं खा सकते वो आयोडीन से उनको एलर्जी होती है, तो वो ऐसे लोगों को आयोडीन वाले जो भी कंपाउंड्स हैं, आयोडीन वाली जो भी ड्रग्स हैं उससे ट्रीट नहीं करना चाहिए। इफ स्किन इरिटेशन एंड इचिंग अकर्स इट शुड बी रिपोर्टेड, द यूजुअल एंटीडोट इज एन एंटी हिस्टामिन। अगर कोई रिएक्शन हो गया स्किन पे तो फिर एंटीडोट देते हैं जो कि एंटी हिस्टामिन होती है। पेशेंट सेंसिटिव टू मेटल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड विद जिंक। अब जिनको मेटल से एलर्जी है, फॉर एग्जांपल कोई मेटल की ब्रेसलेट नहीं पहन सकता, मेटल की वॉच नहीं पहनता, मेटल की रिंग नहीं पहनता, कुछ ज्वेलरी है कुछ भी मेटल का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उनको जिंक से आपने ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, वॉच बैंड, ज्वेलरी वगैरह जो ना पहन सकते हो मेटल की विदाउट हैविंग स्किन रिएक्शन एंड एट टाइम्स सिस्टेमिक रिएक्शन, क्योंकि फिर उनको स्किन रिएक्शन भी हो सकता है अगर आप ट्रीट कर दोगे, या फिर उनको कोई सिस्टेमिक रिएक्शन भी हो सकता है कि अगर जो जिंक है वो उनकी ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। डू नॉट ट्रीट अ पेशेंट विद सैलिसिलेट्स इफ ही और शी इज सेंसिटिव टू एस्पिरिन, क्योंकि सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन होती है बेसिकली, तो आपने सैलिसिलेट से ट्रीट नहीं करना अगर पेशेंट डिस्प्रिन या एस्पिरिन से सेंसिटिव है, एलर्जिक है। सीक मेडिकल कंसल्टेशन फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स। ये था फोनोफ्रेसिस की कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो आज हमने बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेशन डिटेल में स्टडी की है अल्ट्रासाउंड की, उसके बाद हमने फोनोफ्रेसिस देखा है क्या होता है और फोनोफ्रेसिस की कॉन्ट्राइंडिकेशन देखी है जी। तो आप किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है मैम? प्रॉप के हेड से जो हमने ड्रग रिमूव करनी है उसको अगर हम नहीं रिमूव करते तो आपने उसका क्या रीजन बताया? बेटा अगर आप उसको रिमूव नहीं करते हैं तो जो उस ट्रांसड्यूसर हेड जो है उसके अंदर होता है क्वार्ट्स क्रिस्टल, हम ये पर देख चुके हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड में कि वो क्वार्ट्स क्रिस्टल जो है वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो वो क्वार्ट्स का जो क्रिस्टल है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है ओके जी, कुछ और किसी बच्चे की को क्वेश्चन?
विद अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस मैम। चलिए ठीक हो गया, सेंड कर मैम। फोनोफ्रेसिस का प्रिंसिपल एक दफा बता दें। बेटा फोनोफ्रेसिस बेसिकली यही है कि आपने कोई ड्रग इंड्यूस करवाना है ना, कोई भी एनाल्जेसिक ड्रग है, कोई भी किसी स्किन एलर्जी की वजह से इंड्यूस करवानी है, कोई पेंसिलिन इंड्यूस करवानी है ताकि स्किन का इन्फेक्शन क्लियर हो जाए, तो आप अल्ट्रासाउंड की हेल्प से वो ड्रग इंड्यूस करवा रहे हो, ये होता है फोनोफ्रेसिस। ठीक है, फोनो मीन्स साउंड एंड फ्रेसिस मीन्स द इंडक्शन ऑफ एनी ड्रग ड्यू विद इंसोनेशन विद अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो आप यूँ इंड्यूस करवा रहे हो किसी भी ड्रग को। बहुत कॉमनली क्या होता है, हम वार्ड में देखते हैं कि पेशेंट्स आए हैं, उनको पेन है, जब किसी भी ज्वाइंट पे आपने अल्ट्रासाउंड अप्लाई करना है, आप एक जेल तो आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई करने से पहले अप्लाई करते हो, वो कॉस्टिक जेल उसको कहते हैं, ठीक है, ताकि वो हेड जो है वो स्मूथली स्किन पे मूव कर सके, वो अकॉस्टिक जेल सिंपल जेल होती है। लेकिन अगर आपने फोनोफोरेसिस करना है तो आप मूव क्रीम है, आयोडेक्स है, कोई भी ऐसी एनाल्जेसिक क्रीम है, कोई भी फास्टम है, ठीक है, वो अप्लाई करते हो पहले, ठीक है, और उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हो ताकि उस जेल की एब्जॉर्प्शन स्किन में डीप और अच्छी हो जाए। ये प्रोसेस होता है फोनोफोरेसिस का। ठीक हो गया? चलिए ठीक है बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।